अपने सेना के परिवारों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। सर आपको लगता है पहली बार इतिहास में, इस देश के इतिहास में हमें अपने सेना के परिवारों से नहीं मिलने दिया जा रहा है? कैसा हिंदुस्तान बनाया जा रहा है यहाँ? मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार कर लिया। हेलो, कोशिश कर रहे हैं कि वो मिले उस परिवार से, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। व्हाट आई मीन, जो एसपी कमांडो थे उनके साथ राहुल गांधी की गाड़ी पर आगे बढ़े थे। सर 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 लगता नहीं फंडामेंटल राइट्स। राहुल आप लगातार और राहुल साहब देख क्या है राहुल की वैसे राहुल सर राहुल राहुल गांधी आप आपको भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, आम लोगों को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। नया हिंदुस्तान बन रहा है भैया, नया हिंदुस्तान बन रहा है, इसको आप पहचानिए। हिंदुस्तान में आज क्या हो रहा है आप उसको पहचानिए। तानाशाही हो रही है, वो आ रहे हैं मुझसे मिलने आ रहे हैं, परिवार वाले बाहर आ रहे हैं। राहुल गांधी चलिए चलिए यहाँ यहाँ पर एक बार चलिए। हाँ हाँ तो यहाँ पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आप इन तस्वीरों में देख रहे थे जो आरएमएल अस्पताल पहुंचे। वो आ रहे हैं मुझसे मिलने आ रहे हैं, परिवार वाले बाहर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से बात करी है और वो बाहर मिलने आ रहे हैं। राहुल गांधी का ऐसा कहना है लगातार उनसे बात करने की। Why do you think they're not letting you inside the hospital premises? It's a mentality. It's a particular type of mentality. It's a non-democratic type of mentality. If we see that an ex-serviceman had to give up his life because he says that the implementation of ORAP has been a failure. मुझे बताया गया है शायद उनको भी रोक ले। आपको लगता है तानाशाही है जिस तरीके से रोका जा रहा है, परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है, तानाशाही नजर आप देख क्या हो रहा है देश में हो रहा है, जिस तरह से लगातार लोग मारे जा रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं बॉर्डर पर, आपको लग रहा है कि सरकार कहीं विफल है सरकार इस मामले में? लग रहा है पीड़ित परिवार बाहर आ गए आप इनको कह दीजिए, जो आप मुझे कह रहे हैं इनको कह दीजिए। हम तो आपके आप कह दीजिए इनको, मुझे क्यों कह रहे हो? इनको कह दो आप क्या कह रहे हैं। राहुल जी, राहुल जी क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। पुलिस क्या कह रही है, पुलिस क्या कह रही है, आप बता दो इनको, बता दो जो मुझे बता रहे। ये तो आप तो आपको ही बता सकते हैं। हाँ तो हमें बता सकते हैं, आप इनसे पूछिए क्या भाई साहब क्या मना क्यों कर रहे हैं आपको? मुझे कह रहे हैं कि मैं यहाँ से हट जाऊँ। हाँ मुझे कह रहे हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। अब इनको तो ऑर्डर मिला होगा, इनकी तो गलती नहीं है। अब मैं तो मिलने आया हूँ, लेकिन शहीदों के परिवार से मिलने ना देना। मैंने बताया आपको नया हिंदुस्तान बन रहा है। बॉर्डर पे क्या बोलेंगे? अच्छा वो आ रहे हैं भैया उनको, अच्छा उनको बाहर तो कर सकते हो जो परिवार है। सर मुझे तो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी की ज्यादा चिंता, मगर उनको आप बाहर कर सकते हो दो मिनट? वो मेरे अंडर में नहीं, वो दूसरे लोग। अच्छा मुझे आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी की ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे भीड़ ज्यादा है, मुझे आपकी सेफ्टी। कार में डायरेक्ट 4 नंबर गेट पे डालने में बाहर नहीं करेंगे, थोड़ा पीछे पीछे करा रहे हैं। बड़े सुरजेवाला की फैमिली को लेके आ रहे हैं, आ रहे हैं क्या? थोड़ा आउट ऑफ पीछे लो, लोगों को हॉस्पिटल दिखा रहे हैं। मैडम थोड़ा राउट, मैं थोड़ा हम पीछे ही हैं। हम सर बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट है सर की रिकॉर्ड सिक्योरिटी की मैं वो है, आपको पता है ये सर्कल सर्कल एसपीजी स्टेटस है, प्लीज प्लीज।
इधर इधर आ जाओ, ऐसे पूरा सेकंड क्वार्टर बना लो ना, ठीक है, कुछ नहीं होगा सर। नहीं सर, हमें आपकी चिंता ज्यादा है, कुछ नहीं होगा आपको सब चीज़। इधर 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 एक सेकंड मैडम, आगे प्लीज, आप यहीं खड़े हैं, हम आगे नहीं आएंगे। इधर आओ ना, एक लाइन बनाओ, उनके अपनी भी टेंट लगी है, हम लोग आप थोड़ा पीछे हो जाए मैडम, अच्छा नहीं लग रहा, हम यहीं पे खड़े हैं, पास आगे आपको साइड के चले, उधर भाग, उधर भाई कहां है, कहां मैं दस बार तो भाई लोगे, पांच बार तो कर ले थोड़ा सा, कोशिश में लगे हुए हैं कि वो अंदर जाए, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, आम लोगों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं राहुल गांधी यहाँ दूसरे गेट पर भी, सुशील सुशील गेट से भी राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेट से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हमें अंदर नहीं आ सकते क्या, तीनों दरवाजे जो है बंद करके गए, राहुल गांधी उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके पहले मनीष सिसोदिया अंदर गए थे, पुलिस ने हिरासत किया था। भैया हिंदुस्तान में पहली बार जी, पहली बार हमें अपने सेना के परिवारों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। सर आपको लगता है पहली बार इतिहास में, इस देश के इतिहास में हमें अपने सेना के परिवारों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, कैसा हिंदुस्तान बनाया जा रहा है यहाँ? मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को भी हेलो, कोशिश कर रहे हैं कि वो मिले उस परिवार से, कोशिश में लगे हुए हैं कि वो अंदर जाए, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, आम लोगों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं राहुल गांधी यहाँ दूसरे गेट पर भी, सुशील सुशील गेट से भी राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हमें अंदर नहीं आ सकते क्या, तीनों दरवाजे जो है बंद कराए गए, राहुल गांधी उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके पहले मनीष सिसोदिया अंदर गए थे, उन्हें पुलिस ने हिरासत किया था। भैया हिंदुस्तान में पहली बार जी, पहली बार हमें अपने सेना के परिवारों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। सर आपको लगता है पहली बार इतिहास में, इस देश के इतिहास में हमें अपने सेना के परिवारों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, कैसा हिंदुस्तान बनाया जा रहा है यहाँ? मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को भी। सर आपको क्या लगता है कि ये क्या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन? हेलो, कोशिश कर रहे हैं कि वो मिले उस परिवार से, कोशिश में लगे हुए हैं कि वो अंदर जाए, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, आम लोगों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं राहुल गांधी यहाँ दूसरे गेट पर भी, सुशील सुशील गेट से भी राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी प्लीज, भैया उठाने राहुल जी, सर 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 राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, वेयर आर यू राहुल जी प्लीज, बट आई एम स्टैंडिंग इन गेट नंबर 5। राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, एक बार ही इज कमिंग हियर, राहुल जी एक बार ही, राहुल जी, राहुल जी सर प्लीज सर, सर बंद सर, कोशिश में लगे हुए हैं कि वो अंदर जाए, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, आम लोगों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं राहुल गांधी यहाँ दूसरे गेट पर भी, सुशील सुशील गेट से भी राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने, लेकिन गेट से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हमें अंदर नहीं आ सकते क्या, तीनों दरवाजे जो है बंद कराए गए, राहुल गांधी उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके पहले मनीष सिसोदिया अंदर गए थे, उन्हें पुलिस ने हिरासत किया था। भैया
होगा हिंदुस्तान में पहली बार जी, पहली बार हमें अपने सेना के परिवारों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। बात करो, बात करो। आपको लगता है पहली बार इतिहास में, इस देश के इतिहास में हमें अपने सेना के परिवारों से नहीं मिलने दिया जा रहा है? कैसा हिंदुस्तान बनाया जा रहा है यहाँ? मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार कर लिया। मनीष सिसोदिया को ये खड़े हैं यहाँ पे रणदीप, मैं थोड़ा हटिए, आरएमएल अस्पताल के बाहर जो हंगामेदार स्थिति इस वक्त बनी हुई है ये आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। राहुल गांधी पहुंचे, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया, परमिशन नहीं मिली पुलिस से, उसके बाद उन्हें बाहर रोक लिया गया। और उसके बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया कि ये अलोकतांत्रिक सोच है, ये कैसा हिंदुस्तान आप बना रहे हैं जहां पर सेना के पीड़ित परिवार से अगर हम मिलने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें मिलने से रोका जा रहा है। लेकिन अब जो स्थिति वहां बन रही है, क्या पीड़ित परिवार बाहर आकर राहुल गांधी से मुलाकात बनेगा, इसका इंतजार इस वक्त यहां किया जा रहा है जो आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। गेट नंबर 5 जहां पर राहुल गांधी भी खड़े हैं और उनका ये कहना है कि परिवार बाहर आएगा तो फिर वो मुलाकात करेंगे। एक नाटकीय स्थिति यहां पर बनते हुए, क्योंकि इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जब मिलने के लिए पहुंचे थे आरएमएल अस्पताल पीड़ित परिवार से तो पुलिस ने उनको भी हिरासत में लिया, उन्हें कुछ देर के लिए डिटेन किया गया था। इसके बाद राहुल गांधी यहां पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए, लेकिन उन्हें भी मुलाकात नहीं करने दिया गया है। आइए एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं आरएमएल अस्पताल के बाहर की, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। और इसके बाद जो स्थिति वहां पर बनी वो ये चार तस्वीरें एक्सप्लेन करते हुए बताते हुए। इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पहुंचे थे लेकिन उन्हें भी डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया। सूबेदार रामशंकर ग्रेवाल, जिन्होंने कल जहर खा लिया, आत्महत्या कर जान दे दी, एक ज्ञापन वो सौंपने जा रहे थे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को, लेकिन उससे पहले सौंपते उन्होंने रास्ते में ही जहर खा लिया और उसके बाद जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो उन्हें बचाया नहीं जा सका। कम पेंशन की वजह से नाराज थे और इसी को लेकर धरना वो दे रहे थे जंतर मंतर पर। लेकिन अब इस घटना के बाद कैसे इस पर सियासी रंग चढ़ता जा रहा है वो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट किया था, उसके बाद मनीष सिसोदिया वहां मिलने पहुंचे, अब राहुल गांधी पहुंचे। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह वहां मौजूद है, उनके पास और डिटेल्स। मौसमी, राहुल गांधी क्या अब परिवार से मिलने के लिए कुछ और प्रयास कर रहे हैं या परिवार बाहर आकर मिलेगा, क्योंकि जो स्थिति वहां दिख रही है वो तो बेहद हंगामेखेज है। बिल्कुल राहुल गांधी, आपको बता दें कि राहुल गांधी अब यहाँ से जा चुके हैं। आज तक से हमने सबसे पहले ब्रेक किया था कि राहुल गांधी यहाँ पे आए थे। आइए आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। राहुल गांधी की गाड़ी यहाँ पे आरएमएल अस्पताल के बाहर रुकी, यहाँ से राहुल गांधी, हम लोग साथ में ही थे राहुल गांधी के, राहुल गांधी यहाँ से चल के आते हैं। उनको नहीं अंदाजा था कि आगे क्या होने वाला है। राहुल गांधी यहाँ चल के आते हैं और यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स खड़ी है, इसके पीछे जरा देखिए यहाँ पे तमाम महिला पुलिसकर्मी खड़े हैं। राहुल गांधी पहले गाड़ी में बैठे रहे, फिर वो उतरे देखने के लिए कि चलिए अंदर चलते हैं। तब वो काफी ताज्जुब में आ गए जब गेट उनको बंद मिला। राहुल गांधी महिला पुलिसकर्मियों से पूछते रहे अंदर जाने के लिए, है ना मैडम जी? आप लोग ने उनको जाने नहीं दिया, जो भी आपको ऑर्डर्स मिले थे। तब राहुल गांधी बाहर आते हैं, उसके बाद राहुल गांधी उधर जाते हैं गेट नंबर 4। आप देखिए यहाँ से आपको गेट नंबर 4 नजर आएगा, वो बैरिकेड जो पीला रंग का आपको दिख रहा है, पुलिसकर्मी खड़े हैं, वो गेट नंबर 4 है। 25 मिनट तक गेट नंबर 4, गेट नंबर 5 राहुल गांधी करते रहे, उनको अंदर नहीं जाने दिया। बिल्कुल कोशिश काफी की लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। और इसके बाद उन्होंने बड़े आरोप लगाए सरकार के ऊपर और कहा कि कैसा हिंदुस्तान बनाया जा रहा है जहां पर अलोकतांत्रिक सोच है और अगर हम प्रयास कर रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने का तो हमें मिलने की इजाजत नहीं मिल रही। तो पूरी तरह से यह मामला अब राजनीतिक उसमें घिरता हुआ। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक की।